हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ L18 की लिक्विड लिपस्टिक का रिव्यू। जी हाँ, L18 ने अपनी लिक्विड लिपस्टिक निकाली है और मैं ये वीडियो बहुत टाइम से डिले कर रही हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट पहले ही आ जाता है पर समवॉट वीडियो करने में लेट हो जाता है, पर फाइनली दिस इज़ अ वीडियो। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट। मेरे पास यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं, वैसे ये बहुत सारे शेयर्स में लॉन्च हुई है लाइक 20, लेकिन 20 शेयर्स अवेलेबल मिल जाए एट अ टाइम वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर बार ये स्टॉक्स में आती हैं, हर बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो ये बहुत चल रहा है। तो किसी तरह मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लिपस्टिक्स हैं ये कुछ इस टाइप की दिखती हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप की स्लिम प्लास्टिक बॉटल्स में ये लिपस्टिक्स आती हैं, और ये जो यहाँ पे कलर कोडेड इंक का बॉक्स है, तो जो भी शेड का रियल कलर है वो यही है जो आपको सामने दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये 5.6 ml की लिपस्टिक है और इसका प्राइस है 120 rupees, वेरी अफोर्डेबल। इन सभी लिपस्टिक पे यहाँ पे आपका सील रहता है इस तरीके का, ये जो स्टिकर है ये आपकी लिपस्टिक का सील है। आपको इसे ओपन करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा या पील ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर आपकी लिपस्टिक पे ये स्टिकर ना हो तो बाय मत करिएगा। जो भी शेड है वो पीछे लिखा हुआ है। जब आप इन्हें ओपन करेंगे तो इसका वॉन्ड कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हैं। अगर शेड की बात करूं तो इसमें आते हैं 20 शेड। मेरे पास यहाँ पर कुछ 5 to 6 शेड हैं। जो शेड रेंज है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है, जैसे कि L18 का रहता है आपको कुछ क्वर्की अजीब से डार्क बोल्ड टाइप के शेड भी मिलेंगे और बहुत सारे वेयरेबल शेड भी मिलेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ वेयरेबल शेड लिए हैं, कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंटल टाइप के शेड लिए हैं देखने के लिए कि वो कैसा वर्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इनके स्वॉचेस, और स्वॉचेस के बाद हम बात करेंगे इनके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। सो हेयर आर द स्वॉचेस। I cannot make a name, got your star and leave it on that pavement. Came to entertain, but what I didn't know is that a stage would be my cage. Cause when you only see your beauty in the applause, you can't love yourself on this silence. Yeah, I wanna see my worth when no one else does. I keep looking and I keep trying, but I feel my Hollywood heart, and it's every beat is a knockoff. I'm trying to heal my Hollywood heart, but it's hard to give it my trust, cause Hollywood heart is a faker. Hollywood heart doesn't show when it's breaking. Hollywood heart is a hater. Hollywood heart isn't whole till you make it. I try to be good to the girl on the couch on a free day. Easier to say than do. Words pop up like loser. No, it's not cool, but when you only see your beauty in the applause, you can't love yourself in this silence. Yeah, I wanna see my worth when no one else does. I keep looking and I keep trying, but I feel my Hollywood heart, and it's every beat is a knockoff. I'm trying to heal my Hollywood heart, but it's hard to give it my trust, cause Hollywood heart is a faker. Hollywood heart doesn't show when it's breaking. Hollywood heart is a hater. Hollywood heart isn't whole till you make it now. I'm trying to set it free. So guys, ye the swatches. तो अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, और मैं यहाँ बात करूँ इनके प्रोस एंड कॉन्स की, यानी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आपको लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इनके पॉजिटिव की। तो ये जो लिपस्टिक्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल हैं, लाइक 120 rupees, एंड ऑफ कोर्स जब भी कभी सेल आएगी या कुछ भी इस टाइप का डिस्काउंट होगा तो 120 से आपको एक तरीके से 100 rupees के अंदर मिल सकती है आराम से ये लिपस्टिक्स। ये काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं, एकदम लाइट वेट। मतलब मैंने लगाया है और मुझे फील भी नहीं हो रहा मैंने कुछ लगाया है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे तो ड्राई होने पे ये एकदम मैट हो जाती हैं, जैसे कि आप फिलहाल देख सकते हैं इनमें कोई शाइन नहीं होती। जब ये ड्राई होती हैं तब ये स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ हो जाती हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी इन्हें मैं 100%
स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ नहीं कह सकती, थोड़ा सा चांस है कि तब भी आपकी हो सकता है स्मज हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि अभी ऐसा कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, नो ठीक है, लेकिन क्योंकि इनको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 1 मिनट का, तो अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया या फिर ड्राई नहीं हुई तो स्मज हो सकती है या ट्रांसफ़र हो सकती है। अभी जैसे कि लाइक मैंने नॉर्मली देखा ट्रांसफ़र नहीं हो रही, पर आप शायद कुछ खाओ पियो तो इन दैट केस थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हम 100% ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं कह सकते, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। ये जो लिपस्टिक्स हैं ये ड्राइंग नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ तो मुझे ड्राइंग नहीं लगी, एक तरीके से कंफर्टेबल है, थोड़ी सी हाइड्रेटिंग है, इवन जब ये ड्राई आउट भी होती है तो हल्का सा एकदम प्योर ड्राई आउट नहीं होती है, मतलब हल्का सा स्टिकी रहती है, बहुत लाइटली, वैसा स्टिकी नहीं कि आपके लिपस्टिक हो, पर आप जब टच करोगे तो आपको हल्का सा फील आएगा, तो ये स्लाइटली हाइड्रेटिंग है। फिर भी मैं कहूँगी अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप हाँ लिप बाम अप्लाई करो, थोड़ा सा लिप्स को हाइड्रेट जरूर रखो इनको अप्लाई करने से पहले, पर ओवरऑल यू नो कंफर्टेबल है, मतलब स्ट्रीम ड्राइनेस फ्लेकी वाला फील नहीं आता है। अब बात करते हैं इनके नेगेटिव्स की, कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन लिपस्टिक का वो है इनका पिगमेंटेशन, इनका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही शियर टू मीडियम के बीच में है, मतलब ये आप चाहे जितने लेयर अप कर लो आपको फुल पिगमेंटेशन नहीं मिलेगा, तो समवॉट ये शियर टू मीडियम कवरेज ही आपको देती हैं, उससे ज़्यादा नहीं देती हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो ये आपके यू नो लिप्स को कवर अप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनका शियर टू मीडियम कवरेज है, फुल पिगमेंटेशन नहीं देती हैं, तो यू नो लिप्स पता चलते हैं। एंड इवन मैं जब भी कोई लिपस्टिक अप्लाई भी करती हूँ तो मुझे पता चलता है, मतलब मेरे लिप्स समवॉट हल्के शियर आउट तरीके से पर मुझे दिखते हैं, तो आपको पूरी तरह आपके लिप्स को ये कवर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो ये अच्छी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके साथ वो है इनकी फ्रेगनेंस का, इसमें आती है बबल गम की फ्रेगनेंस, प्रॉपर बबल गम, मतलब आप जब स्मेल करोगे तो आप सीधे अपने चाइल्डहुड में चले जाओगे, और मैं बबल गम से बता सकती हूँ कि बचपन में हम जो बिग बबूल और ये सब खाते थे एकदम उसी की फ्रेगनेंस आती है, तो फ्रेगनेंस के साथ आपको प्रॉब्लम है तो हाँ दिक्कत होगा, और स्पेशली लाइक आपको नहीं पसंद कि आपकी लिपस्टिक लाइक बबल गम की तरह स्मेल करे, तो ये है अच्छी खासी यू नो बबल गम वाली फ्रेगनेंस आती है इससे। लास्ट पॉइंट जो इसके साथ है, ये कितनी लॉन्ग लास्ट करती है, आपकी मील सर्वाइव करती है कि नहीं करती है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट भी किया था, मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी और फिर खाना खाने के बाद यानी प्रॉपर मील लेने के बाद मैंने ये पिक ली थी, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फूड है कि आपकी कितनी लिपस्टिक रहती है, तो मैं कहूँगी ये जो लिपस्टिक है आपकी, ये अगर आप प्रॉपर मील खाते हो हाँ तो बहुत हद तक चली जाती है, बस थोड़ी बहुत रहती है, और नॉर्मली मैं कहूँगी 4 to 5 hours ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब नॉर्मली अगर आप कुछ ना खाओ आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो तो हाँ आपका आराम से रहता है, लेकिन हाँ जैसे आप कुछ पानी पी रहे हैं कुछ खाने पीने लगे तो तब ये चली जाती है। अगर मैं इस लिपस्टिक को कंपेयर करूँ तो मैं कहूँगी ये बहुत हद तक सिमिलर है लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक से, आप देख सकते हैं पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और उसका भी जो कवरेज होता है वो शियर टू मीडियम होता है, कंसिस्टेंसी भी ऑलमोस्ट सेम है, पर हाँ लैक्मे का प्राइस जो है वो डबल है, इसका डबल है, और अगर मैं कंपेयर करूँ कौन सा बेटर है तो मैं कहूँगी L18 ज़्यादा बेटर है उससे, इवन बाकी चीज़ें सिमिलर हैं पर जो लास्टिंग पावर है जो स्टेइंग पावर है वो L18 की ज़्यादा अच्छी है, ये लिपस्टिक जब आपकी ड्राई होती है तो प्रॉपर मैट हो जाती है, कोई शाइन नहीं रहती, और हाँ आपके बहुत हद तक यू नो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करती है देन लैक्मे फॉर एवर, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा बेटर लिपस्टिक है। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय।